अगर आप पिछले 10 सालों में यूएस या किसी वेस्टर्न कंट्री को विजिट करते और आप वहां जाकर किसी व्यक्ति से मिलते और आप ये जानने की कोशिश करते कि वो भारत के विषय में क्या जानता है, तो मैं निश्चित तौर पर आपको बता सकता हूं कि वो आपको कुछ चुनिंदा शब्द भारत के विषय में बताता। और वो शब्द होते सती प्रथा, कैस्टेसिज्म, मतलब वो स्थान जहां पर लड़कियों को सेल्फ इम्यूलेशन के लिए मजबूर किया जाता है, स्त्रियों का कोई राइट्स नहीं होता, वो भारत है। या फिर वो स्थान जहां पर गंगा नदी में लोग अपने बच्चों को डुबो देते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, दान देते हैं अपने बच्चों का, वो स्थान ह्यूमिलेशन ऑफ चाइल्ड, वो भारत है। या फिर कुछ कुत्सित परंपराओं की चर्चा वो आपसे करता और आपके भारत को डिफाइन करता। और ये सारे शब्द हमारे संस्कृति या हमारे सम्मान में नहीं बनाए गए। सती प्रथा, कैस्टेसिज्म, ये सारे शब्द आपको वेदों में भी नहीं मिलेंगे या हमारे पुराणों में भी नहीं मिलेंगे। लेकिन इन शब्दों को हमें इसलिए गिफ्ट किया गया ताकि पूरी दुनिया हमें अत्याचारी संस्कृति या कुत्सित संस्कृति या पिछड़े हुए धर्म की तरह या फिर प्रिमिटिव कहने में थोड़ा भी संकोच ना करे। दोस्तों, आपने और हमने अपने बचपन में राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो समाज के निर्माता कहे जाते थे, उनका नाम आपने अवश्य सुना होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने ये दोनों नाम समाज, भारतीय समाज से कुप्रथाओं को मिटाने के लिए पुस्तकों में भी अवश्य पढ़ा होगा जब आप बच्चे रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम राजा राम मोहन राय, जिसको नवीन भारत का प्रणेता कहा जाता है, उसके जीवन को बहुत करीब से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो बचपन में हमको पढ़ाया गया कि इन्होंने समाज का उत्थान किया, उस बात में कितनी सच्चाई है। इस तथ्य को समझने के लिए सबसे पहले मैं खुद ये जानना चाहता हूं कि राजा राम मोहन राय कहाँ के राजा थे और लॉर्ड विलियम बेंटिंक कहाँ के लॉर्ड थे। मेरे शब्दों को यदि आप आसान भाषा में समझना चाहें तो आपको कुछ इस प्रकार समझना पड़ेगा। जब राम मोहन राय किसी राज्य के राजा नहीं थे तो आखिर इनको राजा क्यों कहा गया? असल में इनको अकबर द्वितीय ने राजा की पदवी दी थी। अब आप समझिए, जो आक्रांताओं का प्रिय हो, जिसे आक्रांता उपाधि दे, उसे हम आम बोलचाल भाषा में दलाल कहते हैं। और अब हम समझते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। इंग्लैंड का एक युवक विलियम बेंटिंक जब भारत आता है तो वो लॉर्ड बन जाता है, और उसके नाम के सामने लॉर्ड लगाना इतना आवश्यक हो जाता है कि इस मजबूरी में भारत के निवासियों को अपने आक्रांताओं के नाम के सामने लॉर्ड विलियम बेंटिंक लगाकर उसे अपने पाठ्य पुस्तकों में छापना पड़ता है ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी उसके नाम को लॉर्ड विलियम बेंटिंक समझती रहे। कहने को तो विलियम बेंटिंक हर मानव को बराबर समझने का प्रोपोगंडा पूरे भारत में फैला रहा था, लेकिन उस विलियम बेंटिंक के नाम के सामने भारतीयों को लॉर्ड शब्द लगाना आवश्यक था। आप यहीं से समझ सकते हैं कि वास्तव में उसकी सोच कहां थी। अब आप शायद मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अब आपको मैं तथ्य को पूरी तरह से समझाने का प्रयत्न करता हूं। और सबसे पहले मैं ये बात बताता हूं कि ब्रिटिश सेना उस समय पर भारत में किस तरह से प्रवेश कराई गई, और जिस तरह से उसने प्रवेश किया है, इस प्रवेश नीति को समझ कर आप राम मनोहर राय और विलियम बेंटिंक दोनों को समझ जाएंगे। असल में ब्रिटिश सेना यह समझ चुकी थी कि यदि उसने भारत में घुसने के लिए युद्ध का रास्ता अपनाया तो पूरा भारत एकजुट होकर उसके खिलाफ युद्ध लड़ेगा, और ऐसे में ब्रिटिश सेना का भारत में घुसना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए उन्होंने फूट डालो राज करो का रास्ता अपनाया और सबसे पहले ब्रिटिश सेना को न भेजकर मिशनरियों एवं ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में बंगाल के रास्ते से प्रवेश करा दिया। यहां पहुंचकर मिशनरी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सुनियोजित तरीके से काम करना प्रारंभ कर दिया। यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का काम भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषा, भारतीय वेशभूषा, भारतीय धर्म, इन सभी को नीचा, प्रिमिटिव,
पुराना, अत्याचारी, कुप्रथाओं से लैस, यह सब बात समाज में फैलाना उसने शुरू कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का काम ही यही था कि भारतीय संस्कृति, भाषा, बोलचाल, धर्म, सभी चीजों को नीचा, कुप्रथा और अत्याचारी बताया जाए, और उसने यह काम बहुत ही आसानी से शुरू कर दिया। और साथ साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसे लोगों को भारत में खोजा जो उसके इस आइडियोलॉजी में उसका साथ दे सकें। और राजा राम मोहन राय भी ब्रिटिश मिशनरियों की ऐसे ही सुनहरी खोज हैं जो ईसाइयों के आइडियोलॉजी को भारत में बहुत ही आसानी से प्रोपेगेट करने में मदद कर रहे थे। एक तरफ जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारी संस्कृति और हमारे देश को कुत्सित और अत्याचारी बताना शुरू किया, वहीं दूसरी तरफ मिशनरियों ने साथ साथ में ईसाई धर्म, उनके कल्चर और उनकी संस्कृति को वैज्ञानिक और श्रेष्ठ बताना शुरू कर दिया। और अचानक ही भारत में हजारों लेखक, कवि, विचारक, समाज सुधारक आदि पैदा होना शुरू हो गए। एक्चुअल में उस समय ऐसे लोगों को फंडिंग होती थी जो लोग भारतीय संस्कृति को ही गाली दें और ब्रिटिश संस्कृति या वेस्टर्न कल्चर को बहुत अच्छा बताएं। अब जो नए समाज सुधारक भारत में पैदा हुए उनका विरोध तत्कालीन जनमानस ने शुरू कर दिया और जगह जगह पर दंगे होना शुरू हो गए। और यह एक मौका था ब्रिटिश गवर्निंग बॉडी का, जिसमें मिशनरी और ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, उनके पास मौका था कि वो भारतीय लोगों को बताएं कि अब जो है ये झगड़ों को शांत करने के लिए उन्हें सेना को बुलाना पड़ेगा। और जैसे ही उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि अब हमें इस यहाँ पर शांति बरकरार करने के लिए सेना को बुलाना पड़ेगा, फिर उन्होंने धीरे से ब्रिटिश सेना को भारत में बुला लिया। इस प्रकार बड़े ही निर्बाध रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना भारत में प्रवेश कर गई और हम भारतीय बड़े ही खुशी मन से द ग्रेट लॉर्ड माउंट बेंटिक और राजा राम मोहन राय का गुणगान करने लगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और आगे इस चैनल पर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आपको ये भी बताएंगे प्रमाणों के साथ कि भारतीय संस्कृति और भारतीय सनातन धर्म की पुस्तकों में कितना सती प्रथा का लेना देना है। और उस वक्त जब भारत में सती प्रथा आदि को बताकर पूरे विश्व में बदनाम किया जा रहा था, उस वक्त वास्तव में विश्व की क्या हकीकत थी और कितने जेनोसाइड होते थे, कितने होमोसाइडल डेथ्स होती थी और कितने लोग सेल्फ रेमुनरेशन से मारते थे अपने आप को, उस समय दुनिया का क्या हाल था, ये भी हम अपने वीडियो में आगे बताएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो आपके साथ सामने लेकर आएं तो आपको मिलता रहे। इसी कुछ छोटी सी चर्चा के साथ मैं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स आज आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।